अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किन्हें कहेंगे हम? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन अननोन एंगल और एंगल्स। एक से ज्यादा एंगल भी उसमें यूज हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो एंगल हम नहीं जानते इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी। टू एक्सप्रेशंस को इक्वल रखा जाए और जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अननोन एंगल्स हो, जो हम नहीं जानते, जैसे यहाँ एक्स एंगल यूज किया गया है। एक एंगल भी हो सकता है इक्वेशन में, एक से ज्यादा अननोन एंगल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये रहा साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। इसमें दो एंगल यूज हुए हैं अननोन, तो अननोन एंगल और एंगल्स, इन एंगल्स को हम नहीं जानते, फाइंड आउट करना पड़ेगा इनको। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ये। कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अननोन एंगल हो और एंगल्स एक से ज्यादा एंगल हो, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिन एंगल्स को हम नहीं जानते हों, एक्स में हो वाई में हो, उनको हम फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशंस में। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जितने भी एंगल हैं वो सब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे किसी इक्वेशन को, दी हुई इक्वेशन को, वो क्या कहलाएगा? उसका सॉल्यूशन। जैसे इसी का देख लेते हैं, एक सॉल्यूशन तो निकाल देते हैं, और भी बहुत सारे होंगे। जैसे इसको इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन गया? टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसको टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने वाले जितने भी हैं वो इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन है। टेन एक्स की इज इक्वल टू माइनस वन रखने वाले जो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सभी क्या है? इसके सॉल्यूशन है। 135 डिग्री जैसे, और भी आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा 315 डिग्री ऐसे, उनमें पाई और टू पाई ऐड करते रहेंगे, वैल्यू आती रहेगी। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स के लिए, जितने भी एंगल उसको सेटिस्फाई करते हो उन सभी एंगल्स का एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया जाए इकट्ठा, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो उस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जर्नल एक्सप्रेशन को हम सभी एंगल्स के लिए काम करेगा जो जो उस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई, इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जिसमें सभी एंगल्स लिख दिए जाएं। जैसे ये है जर्नल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये सभी सॉल्यूशन लिख दिए हमने कि x की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे ये इक्वेशन है साइन x इज इक्वल टू जीरो, तो साइन x की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होती है? वो तो होगी उसके सारे सॉल्यूशन, और उन सब सॉल्यूशंस को एक जनरल एक्सप्रेशन से लिखना, इकट्ठा करके सभी को एक में लिखना, ये लिख दिए सब। अब इसमें सारे इसके सॉल्यूशन आ लिए, फॉर ऑल एंगल्स आ लिए, जितने भी एंगल इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, उन सब के लिए ये क्या कहलाएगा? जर्नल सॉल्यूशन। सभी एंगल्स इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई, तो उनको एक एक करके लिखते, बहुत सारे होते, उनको इकट्ठा एक एक्सप्रेशन में लिख दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जर्नल एक्सप्रेशन। जो जो एंगल उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सभी एंगल्स को इकट्ठा करके लिखें, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? जर्नल एक्सप्रेशन। इसको सेटिस्फाई करने वाले क्या हैं? सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो डिग्री पर जीरो वैल्यू होती है, पाई पर जीरो होती है, 360 पर जीरो होती है, फिर थ्री पाई पर जीरो होती है, फोर पाई पर जीरो होती है, ऐसे माइनस पाई पर जीरो होती है, माइनस टू पाई पर। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन है, ये जर्नल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें सभी एंगल्स के लिए लिख दिया गया है, सभी एंगल आ गए इसमें। और सॉल्यूशन क्या होता है? जो जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वही उसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन।
और उन सब सॉल्यूशंस को, जितने भी सॉल्यूशन है सबको इकट्ठा करके लिख लें किसी एक एक्सप्रेशन में, उसको क्या बोलेंगे, जर्नल सॉल्यूशन। अब पार्टी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का, जैसे यही इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पड़ी हमने ग्राफ में भी देखा है। द सॉल्यूशन इज द इंटरवल, द सॉल्यूशन इन द इंटरवल जीरो से टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो जो सॉल्यूशन जीरो से टू पाई के बीच मिलेंगे उन सभी सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसमें क्या क्या मिलते हैं जीरो से टू पाई के अंदर, जैसे है साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, मान लेते हैं ये है, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो से टू पाई में वन बाई टू कहाँ कहाँ होती है, देखो एक्स की वैल्यू कहाँ होती है, थर्टी डिग्री पर भी होती है वन बाई टू, और कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में भी होती है, सेकंड में कहाँ होती है, 180 माइनस 30 150 डिग्री, और 150 डिग्री होता है 5 पाई बाई 6। ये दोनों आ गए इस इंटरवल में, और जनरल सॉल्यूशन तो क्या होता है, सारे लिखने पड़ते हैं और उन सबको इकट्ठा करके किसी एक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है जब जनरल सॉल्यूशन होता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ओनली जीरो से टू पाई के बीच जो जो सॉल्यूशन बनते हैं उन सबको लिखना। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन है, बस दो ही हैं जीरो से टू पाई के बीच, तो वो क्या होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन तो जनरल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है सभी एंगल्स के लिए, फोर एंगल द जनरल एक्सप्रेशन, वो जो एक्सप्रेशन बने फॉर ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स के लिए विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन, टू फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स whose साइन इज जीरो। जिस सभी एंगल्स के लिए निकालना है, टू फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स whose साइन इज जीरो, जिसके साइन की वैल्यू क्या हो, जीरो, उन सभी एंगल्स का जनरल सॉल्यूशन निकालना है जिसमें साइन की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो ये प्रूफ कर रहे हैं हम। तो देखो इसके लिए हम जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर क्या होगा वाई डैश, इधर क्या होगा एक्स डैश, और ये हो गया ओरिजिन। और ये कोई लाइन है रिवॉल्विंग लाइन ओपी, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे एम हो जाएगा, और एक हम इधर बना लेते हैं अलग से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। देखो रिवॉल्विंग लाइन एक बार तो हमने कैसे ली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रखी है, इनिशियल पोजीशन जब ओ एक्स से स्टार्ट करती है रिवॉल्विंग लाइन, तो एंगल एक्स ओ पी क्या होगा इसमें, इज इक्वल टू एक्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें ऐसे घूम रहे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये क्लॉक के अकॉर्डिंग, और ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलें तो उसकी बात है, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये ओपी लाइन ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो हमने क्या डाला है इसमें, परपेंडिकुलर डाला है एंगल एक्स ओपी कितना है एक्स, ये एंगल एक्स है, इसमें भी एक्स होगा, लेकिन ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स हो जाएगा इसमें। अब देखो फ्रॉम पी ड्रा परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं दोनों से, पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश ओ एक्स,
देन साइन एक्स क्या होगा, एम पी अपॉन ओ पी, जो भी एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी साइन एक्स की, एम पी अपॉन ओ पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनूस। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। साइन एंगल निकालने, वो सारे एंगल निकालने हैं जहां पर साइन की वैल्यू क्या आती हो, जीरो। उनके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है हमें इकट्ठा, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल एक्सप्रेशन और जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहां से क्या आ गया, एम पी इज इक्वल टू जीरो, और एम पी जीरो आ गया, इसका मतलब ओ पी किस से कौन साइड कर गया, ये है ही नहीं परपेंडिकुलर, तो ओ पी किस से कौन साइड कर गया, ओ एक्स से। इट मीन्स ओ पी कोइंसाइड्स विद आइदर ओ एक्स और ओ डैश एक्स, ओ एक्स और ओ एक्स डैश। ये जो ओपी है ये क्या करेगा, देखो या तो ओ एक्स से कौन साइड करेगा या फिर ओ एक्स डैश से करेगा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर नहीं, अगर इधर हो तो इधर परपेंडिकुलर हो तो भी ये क्या है, कौन साइड कर रहा है। एमपी अगर परपेंडिकुलर खत्म हो गया तो ओपी लाइन किससे कौन साइड करेगा, या तो ओ एक्स से या फिर ओ एक्स डैश से। तो यहां से आएगा आइदर, जब ओ एक्स से कौन साइड कर रही है तो क्या क्या वैल्यू आएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ओ एक्स डैश से कर रही है तो क्या वैल्यू आएंगी, पाई, और फिर क्या आएगी, घूम कर आएंगे तो यहाँ टू पाई, फिर क्या आएगी, थ्री पाई, टू पाई में पाई ऐड कर देंगे, फिर फोर पाई, ऐसे ही आगे। और इससे क्या आएंगे, इस वाले से जब ओपी इसको कौन साइड करेगा तो एंगल इसमें कैसे आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि साइन एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस एक्स, तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो इन सब एंगल्स को अगर इकट्ठा करके लिखा जाए तो क्या सोल्यूशन बनेगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ये सभी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड, सभी इंटीजर्स आ गए हैं। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये यूज करेंगे हम कहीं भी। तो इसी तरीके से जनरल सॉल्यूशन आएगा कोसाइन का, कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए आएगा जनरल सॉल्यूशन, सोल्व करेंगे जब एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, सभी इंटीजर्स के लिए। थर्ड है हमारा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। और इससे पहले हमने फर्स्ट पढ़ा है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये सॉल्यूशन आए हैं जीरो के इक्वल हो तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं सभी एंगल्स के लिए, जो जनरल एक्सप्रेशन है वो निकाल दिए हैं। अब इससे आगे है साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन इंटीजर है कोई भी। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि जितने भी एंगल है उन सब के लिए हो गया है, एक ही एक्सप्रेशन में लिख दिए हैं जनरल एक्सप्रेशन में, जो इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। यहाँ पर हमारे पास साइन की दो वैल्यू इक्वल हो तब है ये सॉल्यूशन, तो इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम सी डी फॉर्मूले लगाएंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं,
क्या लगेगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहां से दो केस आएंगे, आइदर कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। कोस की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होती है वो देखेंगे हम। जनरल एक्सप्रेशन, कोस की वैल्यू हमने पढ़ी थी कहाँ कहाँ जीरो होती है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर जीरो होती है। हम चेक करके भी देख सकते हैं, पाई बाई टू पर जीरो, थ्री पाई बाई टू पर जीरो, फाइव पाई बाई टू पर जीरो, सेवन पाई बाई टू पर जीरो, माइनस पाई बाई टू पर जीरो, माइनस थ्री पाई बाई टू पर जीरो। तो यहां से मैं ये लिखूंगा इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है। तो जनरल सॉल्यूशन अभी अभी हमने पढ़ा था, एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। और यहां से साइन की वैल्यू जीरो, साइन की वैल्यू जीरो होती है इंटीगल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, दोनों जगह जो एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, इंटीजर से। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई, क्योंकि टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम तो एक्स और वाई में इक्वेशन ले आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू एन पाई। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, टू एन प्लस वन पाई माइनस वाई, और यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, टू एन पाई प्लस वाई। तो देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से, सही तरीके से लिखें, चेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई में, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस यूज हो रहा है, एन की वैल्यू जो भी रखेंगे माइनस यूज हो रहा है, तो माइनस को हटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एन की, टू एन प्लस वन है, एन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इस पर भी फर्क पड़ रहा है। जब टू एन प्लस वन है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस। तो अगर पावर टू एन प्लस वन होगी तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस, क्योंकि टू एन प्लस वन कैसी पावर है, ओड, और माइनस वन की पावर ओड क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस को हमने क्या लिख दिया, माइनस वन रेज टू पावर टू एन प्लस वन। और एक्स को भी हम ऐसे लिख देंगे, इसमें प्लस वन यूज हो रहा है, प्लस वन को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर टू एन वाई, और एन किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, क्योंकि इसमें इवन है, पाई के साथ इवन नंबर है, तो कैसी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव। और माइनस वन की पावर इवन रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, माइनस वन की पावर ओड रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। या नेगेटिव, तो नेगेटिव को हमने इससे बदली कर दिया, क्योंकि माइनस वन की पावर ओड होगी तो क्या आएगा, नेगेटिव, और माइनस वन की पावर इवन होगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव। माइनस वन की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा, और टू का मल्टीपल हो तो इवन आता है, टू का मल्टीपल में एक ऐड हो रहा हो तो ओड आता है। तो नेगेटिव के बदले में हम ये लिख सकते हैं, और पॉजिटिव के बदले ये लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइनिंग कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट, देखो इसमें तो ओड मल्टीपल आ गए सारे, इसमें इवन आ गए, तो कोई बचा क्या, ओड और इवन ही होते हैं नंबर्स इंटीजर में जो है, तो कोई भी नहीं बचेगा हमारे पास, सभी आ गए, सभी आ गए हैं। तो दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन का मतलब सभी इंटीजर आ गए, इसमें ओड थे इसमें इवन थे, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस वन की पावर एन वाई। जब एन ओड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, एन जब इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस केस में चले जाएंगे फिर हम, एन इवन होगा तो इस जैसा, एन ओड होगा तो इस जैसा। इसमें तो सारे ओड के लिए थे, इसमें सारे इवन के थे, ओड और इवन को इकट्ठा करके लिख दिया, यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचा, दोनों इसके सॉल्यूशन थे। क्यों थे, क्योंकि ये जीरो होने के पीछे या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, ये जीरो होगा तो ऐसा होगा और ये जीरो होगा तो ऐसा होगा। तो हमने दोनों को कंबाइंड करके लिखा है तो ये सॉल्यूशन आ गया है, एन बिलोंग्स टू जेड। नेक्स्ट है, फॉर एनी रियल नंबर
एक्स एंड वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो इसको भी हम सीडी फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। इधर ले आए, हमें तो एक्स की वो सारी वैल्यू निकालनी जो इसको क्या कर रही हो, सेटिस्फाई। उन सब का एक एक्सप्रेशन लिखना है जो इसको क्या कर रही हो, सभी एंगल्स के लिए सेटिस्फाई। तो सीडी फॉर्मूला होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये तो जीरो हो नहीं सकता, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो। तो दो केस आएंगे, आइदर साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है वो देखेंगे हम। जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ रखे हैं, साइन की वैल्यू जीरो का क्या पढ़ा था, एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई और एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। एन क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर, सभी इंटीजर्स के लिए सॉल्यूशन होंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एन पाई माइनस वाई और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एन पाई प्लस वाई। तो देखो टू एन पाई दोनों जगह है, तो दोनों को सॉल्यूशन को इकट्ठा करके लिखना चाहे तो टू एन पाई तो दोनों में सेम है, बस यहाँ माइनस वाई तो यहाँ प्लस वाई, तो कभी प्लस आ जाएगा कभी माइनस आ जाएगा। तो दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे टू एन पाई प्लस माइनस वाई, सारे सॉल्यूशन आ गए, ये भी और ये भी इकट्ठे करके लिख दिए, प्लस वाई भी आएगा और माइनस वाई भी आएगा और एन किससे बिलोंग करता है, जेड से। इसी तरीके से अगला सॉल्यूशन है टेंजेंट का, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई हो तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई इसी तरीके से करेंगे, साइन को से बदल लेंगे तो ऐसे ही आएगा, एन किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। और लास्ट है अब हमारे पास, तो इनको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ इनको भी एक बार, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। जो जो इसको सेटिस्फाई करने वाले वो सारे ये सॉल्यूशन होंगे। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का होगा एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। लास्ट में आ रहे हैं सुकेर वाले, उन सब का सेम एंसर, सभी का सेम सॉल्यूशन आएगा, साइन सुकेर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर वाई। ये आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, सभी के लिए सेम है ये, कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर वाई के लिए भी यही है और साइन टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर वाई के लिए भी यही सेम सॉल्यूशन है, अलग अलग नहीं है, इन सब के लिए तीनों के लिए सेम सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये सॉल्यूशन आ गया, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.10, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें
प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई रूट थ्री बाई टू, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो साइन की वैल्यू, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू किस में आनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई, इसमें होना चाहिए, इसी इंटरवल में आना चाहिए। जीरो से टू पाई में जो जो सॉल्यूशन होंगे वो हम लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो साइन की वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और एक सेकेंड में होती है, तो साइन एक्स को मैं यहां से लिख सकता हूं साइन पाई बाई थ्री, और दूसरा कोई भी वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखनी है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, 180 माइनस, साइन का साइन ही रखना है तो इस साइन पाई बाई थ्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस एक्स हमने क्या पढ़ाया था, साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर साइन की वैल्यू आ गई है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई थ्री, तो एक्स की जगह दो वैल्यू आई है, ये साइन पाई बाई थ्री के इक्वल है, तो एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो पाई बाई थ्री और एक 2 पाई बाई थ्री, जो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्योंकि ये सब कौन से इंटरवल में है, जीरो से 2 पाई में। इसी तरीके से है, जैसे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट थ्री, तो टेंजेंट की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री, पहले प्लस वाली वैल्यू का ध्यान करेंगे फिर माइनस की बनाते हैं हम, अभी भी इक्वल हो जाओ, तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई रूट थ्री, वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई सिक्स पर, पाई बाई सिक्स पर वैल्यू होती है, और नेगेटिव वैल्यू टेंजेंट की कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है ये ध्यान रखो, सेकेंड में और फोर्थ में होती है, तो इस वैल्यू को हम सेकेंड में ले जाएंगे, सेकेंड में कैसे जाएगी, टेंजेंट 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई सिक्स, एक तरीका तो ये हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई बाई 6। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एज इट इज रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई, हमने पढ़ रखा है। दूसरा माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 को फोर्थ क्वाड्रेंट में एज इट इज रखने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 360 माइनस एक्स, ये पढ़ा था हमने, 2 पाई 360 क्या होता है, माइनस टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट जो भी एंगल है उसको टेंजेंट ही रखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रखते हैं, 360 माइनस से, क्योंकि हमें पता है वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव वैल्यू है, तो सेकेंड और फोर्थ में आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड में टेंजेंट को टेंजेंट रखने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, 180 माइनस, और टेंजेंट को टेंजेंट रखने के लिए फोर्थ में 2 पाई माइनस, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यूज आई है वो आ गई एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ये सॉल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, क्योंकि ये वो एक्स की वैल्यू है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई, और ये किस इंटरवल में है, जीरो से टू पाई में, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। इसी तरीके से इसमें है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू के लिए एक्स की ऐसी वैल्यू क्या क्या होंगी जो इंटरवल जीरो से टू पाई में है।